अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि 22 अगस्त से एमए टीचर एजुकेशन बीएड एटीई की फेस टू फेस वर्कशॉप स्टार्ट हो रही हैं, और आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग अपने जौन से सेंटर्स हैं, वर्कशॉप सेंटर्स हैं, वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएंगे, और जौन से टीचिंग प्रैक्टिस कोर्सेज हैं उनके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दूंगी। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एमए टीचर एजुकेशन, इसके अलावा बीएड एडीई के फेस टू फेस वर्कशॉप जोन सी हैं, टीचिंग प्रैक्टिस वर्कशॉप जोन सी हैं, वो 22 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं और ये 26 अगस्त तक रहेंगी। और ये है कि जिस तरह एमए टीचर एजुकेशन के टू कोर्सेज हैं 6554 और 6555, इन दोनों की 3-3 डेज जोन सी है वो वर्कशॉप होंगी, और टोटल दोनों की वर्कशॉप 6 डेज की होगी। और इसके बाद 6 डेज वर्कशॉप आपने सेंटर में लेनी है, उसके बाद आपने 4 वीक के लिए किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जाकर आपने टीचिंग प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में ये है कि 2 डेज फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए आपने फिर दोबारा अपने सेंटर में जाना है और वहाँ पे जाके आपको अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन देनी होगी। तो ये तो हमने बात कर ली कि हमने किस तरह से क्या करना है, तो अब हम बात करते हैं कि सेंटर कहाँ है और कब जाना है, और ये सारा शेड्यूल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएगा या नहीं, और ये हमें किस तरह चेक करना होगा इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये शेड्यूल लोगों के आने शुरू हो चुके हैं, और ये कि ज़्यादा परसेंट स्टूडेंट्स को लेटर मसूल हो रहे हैं, और अगर जिनको लेटर मसूल नहीं हो रहा और वो अपना शेड्यूल चेक करना चाह रहे हैं, तो मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाके आपने अपना आईडी लगा के अपना शेड्यूल चेक कर लेना है। और हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमें वर्कशॉप सेंटर जोन से हैं वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसके लिए आपको अपने CNIC ओरिजिनल कापी, ओरिजिनल भी अपने साथ रख सकते हैं और साथ में उसकी कापी भी लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा 6554 या 6555 की हार्ड फॉर्म में जोन सी है कापी या बुक अपने साथ लेकर जाएंगे। और इसके अलावा आपके पास ये है कि जो यूनि आपको लेटर सेंड करेगी वो भी आपने साथ में लाजमी लेके जाना है अपना लेटर। और इसके अलावा जो स्टूडेंट जिनका रीपियर है उन्होंने क्या करना है, अपने साथ अपने पेड चलान कॉपी, जो उन्होंने चलान पे किया होगा उसकी कॉपी साथ में लेके जानी है, और साथ में वही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स लेकर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो में तमाम जो सी बातें हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। और ये लास्ट में बताती चलूँ कि ये 22 से स्टार्ट हो रही हैं हमारी वर्कशॉप, और अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी भी बारे में कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा लाजमी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।